हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब तो आज आप पढ़ोगे पोइम गार्डन स्नेक क्लास सेवेंथ हनी कॉम इंग्लिश एन की बुक से स्टार्ट करते हैं गार्डन स्नेक सो हैव यू एवर अ स्नेक फाइटिंग कभी आपने देखी होगी स्नेक फाइटिंग अमोंगूस और गेटिंग इन टू अ होल होल में जाते हुए और स्विमिंग इन द रिवर रिवर में स्विम करते हुए एवरी वन ऑलमोस्ट एवरी वन हाँ सभी ने देखा होगा बिलीव दैट स्नेक्स आर डेंजर कुछ लोग मानते हैं कि स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं खतरनाक होते हैं सामार कुछ लोगों का मानना होता है बट मोस्ट आर नॉट लेकिन ज़्यादा लोगों का मानना नहीं होता रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक तो हम ये पोएम पढ़ेंगे जिसमें एक द पोइम गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हार्मलेस स्नेक तो ये जो पोइम है वो एक नुकसान ना पहुंचाने वाले सांप की डिस्क्रिप्शन देती है उसका वर्णन करती है कि जो सांप है वो हार्मलेस नहीं होते तो स्टार्ट करते हैं आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे मैंने एक सांप देखा इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि गार्डन में एक सांप को देख लेता है तो वो बोलता है कि मैंने एक सांप देखा और और वो वो भाग गया। Some snakes are dangerous, they say. और वो कहता है कि कुछ सांप जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं लेकिन बट मदर से गुड लेकिन जो माँ है उसकी माँ उसको बताती है कि सभी सांप खतरनाक नहीं होते हैं वो बताती हैं कि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते कुछ उनकी ऐसी काइंड्स होती हैं कि वो बिल्कुल डेंजरस नहीं होते उनकी प्रजाति ऐसी होती है अच्छी वाली। तो, और वो क्या करते हैं कि अपने भोजन में केवल कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं अपने भोजन के लिए क्या करते हैं वो स्नेक्स कीड़े खाते हैं एंड सो वेन ही विगर्स इन द ग्रास इसलिए जब वो घास में लहराते हो गया विगल्स में होता है वेवरिंग लहराना इसलिए जब वो घास में लहराते हो गया तो मैं क्या हो गया आई स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास मैं एक तरफ खड़ा रहा और उसे गुजरते हुए देखता रहा कि वो इधर से निकल जाए एंड टेल मायसेल्फ देयर इज नो मिस्टेक और मैंने अपने आप से कहा कि इसमें कोई गलती की बात ही नहीं है इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक और फिर ये मान लिया मैंने कि बगीचे के जो सांप होते हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं वो खुद ही ये मान लेगा कि क्या होता है बगीचे के जो सांप होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है तो ये हमारी पोइम कंप्लीट हो चुकी है मुरियल एल सोनिन की अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं पेज नंबर वन थर्टी सेवन वर्किंग फॉलोइंग क्वेश्चन ओके तो ये यहाँ पे थ्री क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर देने हैं फर्स्ट है पिक आउट द लाइन दैट दैट सजेस्ट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक तो यहाँ पे इसका आंसर है द द लाइन दैट दैट सजेस्ट चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक इज आई सॉ स्नेक एंड रेन अवे बच्चा क्यों डर गया था क्योंकि उसने देखा कि सांप इधर से एकदम से भाग रहा है तेजी से निकल रहा था इसलिए वो भाग गया सेकेंड है विच लाइन अ कम्पलीट चेंज ऑफ द चाइल्ड एटीट्यूड रीड इट अलाउड सेकेंड आई विल स्टैंड विटैंड एंड वॉच हिम पास तो बच्चा बोलता है कि मैं हाँ एक साइड खड़ा हो गया और उसको देखने लगा जाते हुए एंड टेल और मैंने अपने आप से कहा देर इज नो मिस्टेक इसमें कोई गलती नहीं है इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन ये गार्डन में कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा ऐसा सांप है सो so, थर्ड है वट मदर से गुड

द वर्ड दू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास विगल थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है देर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंगउड सो यहाँ पे हमारे पेयर्स दिए गए हैं आप देख सकते हो इसमें कि फर्स्ट है अबे अबे का मैच करना आपको से राइमिंग बर्ड सेकेंड है गुड फूड ग्रास पास मिस्टेक स्नेक ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है आई स्नेक हैज नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट कैन यू गैस हाउ डिस्कस इन द ग्रुप तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे आई स्नेक हैज नो लेग्स और फीट जो सांप होता है उसके पैर वगैरह नहीं होते हैं लेग्स नहीं होते फीट्स नहीं होते बट इट मूव्स वेरी फास्ट लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है मूव करता है एज इट स्लाइड्स ओवर द ग्रास विथ द हेल्प ऑफ इट्स स्किल्स तो किसकी हेल्प होता है स्केल्स की हेल्प स्किल्स क्यों क्योंकि इसके अंदर स्किल्स होते हैं ऐसे कि वो अपनी बॉडी को फास्ट वाई टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इट्स बॉडी अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव करता है टर्निंग करता है ट्विस्टिंग करता है टेढ़ा मेढ़ा होकर एकदम से निकल जाता है उसकी जो बॉडी होती है इट्स बॉडी विच हेल्प इट मूव फास्ट वाई टर्निंग एंड ट्विस्टिंग इट्स बॉडी ओके अपनी बॉडी के थ्रू वो टर्निंग करके ट्विस्टिंग करके मूव कर लेता है फास्टली सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइव कैन यू रिकॉल द बर्ड यूज फॉर अ अवराज लॉन्ग टीथ वे डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट तो यहाँ हम एक वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं इसके लिए फेंट्स इसका वन वर्ड आंसर क्या होगा उसके टीथ के लिए पूछा जा रहा है तो फैंट्स होते हैं ओके एफ ए एन जी एस लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा लॉन्ग है उसको आप देख लीजिए एक बार कोवराज लॉन्ग सार्प टीथ आर लाइक टू वॉज और फॉक्स